we were doing about applications of biotechnology. और इसमें हम कर रहे थे applications in agriculture. तो पहला आ जाता है, first we were discussing about pest या insect resistant crops. एग्जाम्पल आ जाता है बीटी कॉटन, बीटी राइस, टोमेटो, पोटैटो, ब्रिंजल, सोयाबीन एक्सेट्रा. ठीक है, और भी बहुत सारी होंगी बट ये कॉमन है. बट बीटी कॉटन इट इज द फर्स्ट टू बी अलाउड टू ग्रो कमर्शियली. लैब स्केल्स में तो ये सब पे काम हो रहा होगा बट ग्रो कमर्शियली in India. तो इसमें क्या किया कि जो क्रायोजीन्स थी वो आइसोलेट की गई किसमें से, बेसिलस थ्यूरिंजेनेसिस. ठीक है, तो आपको पता है बेसिलस थ्यूरिंजेनेसिस याद रखना है, has several cryogenes. कौन कौन सी cryogenes है? Such as cryogene 1A, लिख लो जरा से, इस तरह से आ जाता है. That is इसका सी छोटा ही कर लो. क्रायोजीन 1AB या ए बड़ा, क्रायोजीन 1AC, देन क्रायोजीन 2AB, और भी कई जगह एक्सेट्रा, कई तरह की जो है दे प्रोड्यूस, हम क्या कहेंगे, डिफरेंट क्रायोजीन्स प्रोड्यूस. ध्यान से देखना है, प्रोड्यूस स्पेसिफिक प्रोटीन्स, टॉक्सिक क्रिस्टलाइन प्रोटीन्स. विच आर टॉक्सिक टू स्पेसिफिक इंसेक्ट. ऐसा नहीं कि क्राय 1AB है, इट इज you know toxic to army worm, it is toxic to ball worm or any other. ठीक है, ये सब specific, right? तो सबसे पहले आ जाता है क्राय 1AC. ठीक है, तो जो क्राय 1AC है एंड क्राय 2AB है,
these are toxic to cotton boll worm. Try 1AC and try 2AB. They are toxic to cotton boll worm. Whereas, try 1AB. This is toxic to corn borer. It is toxic to corn borer insect. Is tarah se aur bhi cryogenes hongi which are toxic to specific insect. Theek hai? Ab mechanism kya hai? फर्स्ट आ जाता है स्पेसिफिक क्राइजीन आइसोलेटेड फ्रॉम बैक्टीरिया सेकंड आ जाता है डिसआर्मिंग Or TI plasmid or agrobacterium. ये कौन सा bacteria है? ये bacteria है Bacillus thuringiensis. और ये इसको डिसआर्मिंग की है दैट इज एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस इफ टीआई प्लाज्मिड को डिसआर्म किया मतलब डिजीज कॉजिंग जीन्स जो है इसमें से रिमूव कर लाइगेशन ऑफ क्राइजीन विद disarmed TI plasmid next step introduce you know hum keh sakte hain recombinant DNA in Agrobacterium transformed bacterium है इसको हम कह सकते हैं transformed transformed bacterium है then Transformed bacterium allowed to infect cells of cotton plant in tissue culture. टिश्यू कल्चर से हम कॉटन सेल्स का कैलस बना रहे हैं उसमें हमने ये बैक्टीरियम एग्रोबैक्टीरियम डाल दिया उसने इन सेल्स को इन्फेक्ट किया ट्रांसफर फॉरन क्राइजीन इनटू कॉटन सेल्स They differentiate. ये जो cells थे वो differentiate किए and they form BT cotton plantlets. ठीक है
चलिए पहले यहां तक लिखो फिर मैं आगे, कि जैसे ही इंसेक्ट का लार्वा, नॉट कंप्लीट इंसेक्ट बट व्हेन द इंसेक्ट लार्वा फीड ऑन द कॉटन प्लांट्स, इनपे फीड कर रहा है इनके पत्तों पे, दीज जीन्स एक्सप्रेस इन द लीव्स ऑफ द कॉटन प्लांट, ठीक है। जैसे ही इंसेक्ट लार्वा इट ईट्स अप द यू नो लीव्स ऑफ द कॉटन प्लांट, द टॉक्सिन यू नो टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय क्रायोजेनिक क्रिस्टल्स ऑफ दैट टॉक्सिन गेट्स सॉल्युबलाइज्ड इन इट्स गट, गेट्स एक्टिवेटेड कंबाइंड विद जॉइंड विद या अटैच विद द सेल्स ऑफ द मिडगट एपिथेलियम कॉजिंग इट्स लाइसिस causing it or you can say create pores in the epithelial cells due to which lot of water diffuses in those cells, they swell, burst, thus killing the insect. पहले आप यहां तक लिखो फिर मैं आगे लिखवाती हूं। तो चलिए इसमें लिख लो बेटा कि when the ये लिख लिया cryogenes express in the leaves of cotton plant, आगे चाहे एरो डाल के लिख लो, व्हेन द इंसेक्ट लार्वा, व्हेन द इंसेक्ट लार्वा फीड ऑन द लीव्स ऑफ बीटी कॉटन फ्रॉम द क्रायोप्रोटीन्स cryoproteins are also ingested by the insect larva. ठीक है, इन द गट ऑफ, ये हमने पहले भी लिखा है दोबारा से एक बार लिख लो याद भी हो जाएगा, इन द गट ऑफ इंसेक्ट लार्वा, इन द गट ऑफ इंसेक्ट लार्वा कॉमा द एल्कलाइन पीएच, द एल्कलाइन पीएच कॉजेस सोलुबलाइजेशन solubilization of crystals of cryoprotein also the active cryoprotein binds with the epithelium of the active cryoprotein binds with the epithelial cells of midgut of insect larva, creates pores, holes, due to which the epithelial cells swell, burst, causing death of the insect. ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाइए,
RNAi. इसमें क्या करते हैं बेटा कि पैथोजन है और पेस्ट है, ये होस्ट सेल में, होस्ट सेल है, प्लांट सेल है, इसमें ये पैथोजन एंटर करता है, यहां जाके दिस इज पेस्ट, इट प्रोड्यूसेस आरएनए, दिस इज एमआरएनए, एमआरएनए प्रोड्यूस टॉक्सिक प्रोटीन एंड दिस टॉक्सिक प्रोटीन कॉजेस डेथ ऑफ, ये पीसी लिख रही हूं, पीसी मतलब प्लांट सेल, ये इसका मैकेनिज्म। हमने क्या किया, पेस्ट स्पेसिफिक जीन, ध्यान से देखो, पेस्ट स्पेसिफिक जीन ऑब्वियसली मॉडिफाइड, जो टॉक्सिन बनाती है, ठीक है ना, वो जीन हमने इंट्रोड्यूस्ड इन होस्ट सेल, ठीक है, इट इज, ध्यान से देखता है, इट इज मॉडिफाइड इन सच अ वे दैट इट्स बोथ स्ट्रैंड्स ट्रांसक्राइब, दोनों स्ट्रैंड्स ट्रांसक्राइब करते हैं टू फॉर्म, क्योंकि दिस इज एक है सेंस आरएनए, एक सेंस स्ट्रैंड ने प्रोड्यूस किया, हमने क्या कहा कि इस तरह से मॉडिफाई किया कि जीन के दोनों, जीन डीएनए के बनी है, हम कहते हैं सिर्फ जो एंटी सेंस स्ट्रैंड है वो ट्रांसक्राइब करता है, बट यहाँ पे दोनों स्ट्रैंड ट्रांसक्राइब कर रहे हैं, सेंस आरएनए और ये है एंटी सेंस आरएनए, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, जैसे डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स कॉम्प्लीमेंट्री है, इस तरह से आरएनए के दोनों स्ट्रैंड्स भी कॉम्प्लीमेंट्री होंगे और ये एक दूसरे के साथ पेयर कर जाएंगे, दिस इज डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, समझना है ध्यान से, ये डबल स्ट्रैंड आरएनए इट इज क्लीव्ड बाय डाइसर एंजाइम, ठीक है, या हम यहां पे कह सकते हैं पहले तो ये डाइसर एंजाइम से and they form siRNAs, small interfering RNA, then ergonaut complex, एक ये भी enzyme का ही complex होता है, ergonaut complex, ठीक है, इसने इन दोनों स्ट्रैंड्स को फिर अलग कर दिया, इसने
इसमें जो वन स्ट्रैंड दिस स्ट्रैंड इट डिसइंटीग्रेट ये जो स्ट्रैंड है इट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू mRNA ऑफ बेस्ट ठीक है तो इधर से बेस्ट है बेस्ट डीएनए उसने mRNA बनाया इधर से ये कॉम्प्लीमेंट्री वाला इसके पास गया बहुत सारा तो नहीं क्योंकि ये छोटा है इसने थोड़ी सी जगह इसके पेयरिंग की ड्यू टू विच दिस आरएनए इट गेट्स बेस्ट आरएनए या बेस्ट एमआरएनए गेट साइलेंस्ड क्योंकि अब जो है ये डबल स्ट्रैंडेड हो गया पूरा तो नहीं बट कुछ डबल स्ट्रैंडेड हो गया है और डबल स्ट्रैंडेड की वजह से नाउ इट कैन नॉट बाइंड विद राइबोसोम एंड फॉर्म द टॉक्सिक इस तरह से साइलेंसिंग हो गई है बेस्ट के एमआरएनए राइट पहले एक ये बॉक्स में बना लो और फिर मैं तुम्हें प्रॉपर प्रोसेस समझाती हूँ किस तरह से समझा तो मैंने दिया बट लिखवा दो ठीक लिखो फटाफट से अब हम इसके बारे में थोड़ा सा और लिखे RNAi was discovered by या was developed by साइंटिस्ट का नाम है फायर एंड मेलो अगेंस्ट कौन सा पेस्ट है अगेंस्ट नीमेटोड राउंड वर्म है नीमेटोड कौन सा है मेलोइडोगाइने राउंड वर्म नीमेटोड इज राउंड वर्म जिसमें स्कैरिस आता है ठीक है तो ये भी उसी में से मेलोइडोगाइने इनकॉग्निटा किसको इंफेक्ट करता है विच इंफेक्ट्स का रूट्स ऑफ टोबैको प्लांट्स ठीक है अब क्या किया ये तो डेवलप इसने किया नेमेटोड स्पेसिफिक जीन्स आर आइसोलेटेड मॉडिफाइड एंड इंट्रोड्यूस्ड इन वही टिश्यू कल्चर में टोबैको प्लांट सेल्स किसकी हेल्प से विद द हेल्प ऑफ वही बैक्टीरिया एग्रो बैक्टीरियम अपने दीज नेमेटोड स्पेसिफिक जीन पूरा लिखना है आपने मेरी तरह नहीं लिख देना शॉर्ट फॉर्म ये कोई है नहीं अब्रीवेशन नहीं है नेमेटोड स्पेसिफिक जीन्स आर मॉडिफाइड सो दैट वही जो हमने पहले लिखा दे फॉर्म डबल स्ट्रैंडेड आरएनए ठीक है देन
double-stranded RNA of foreign genes. Foreign gene ही है जो हमने tobacco plant में introduce की है, उसने double-stranded बना दिया. Is cut by कौन सा enzyme? मैंने बताया है dicer enzyme. To form small segments of double-stranded small interfering RNA. आपने लिख लेना है double-stranded small interfering RNA. Small interfering RNA get associated with ये cells में already पढ़ा होता है, कहीं से आया नहीं, ये plant cells में पहले से ही पढ़ा है. RNA inter it is RISC. RISC. इसके फुल फॉर्म क्या है? RNA induced silencing complex. ये डबल स्ट्रैंडेड छोटे छोटे से आरएनए है. दे गेट एसोसिएटेड विद, दिस इज आर आई एस सी. ऐसे बहुत सारे, दिस इज स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए. ठीक है जी. देन उसके बाद जब ये आर आई एस सी से associate हो गए, then what? In RISC there occurs unwinding of small interfering RNA. जो डबल स्ट्रैंडेड थे वो सिंगल सिंगल स्ट्रैंडेड होंगे, जिससे क्या हुआ? एक्टिवेशन ऑफ आर आई एस सी. इसने क्या किया? इसका एक पार्ट वही एगोनॉट था. इट डिग्रेड्स the sense RNA but the complementary RNA कॉम्प्लीमेंट्री आर एन ए कौन सा होता है जिसको हम और क्या बोल रहे थे? गाइड स्ट्रैंड. और विच इज कॉम्प्लीमेंट्री टू एम आर एन ए ऑफ टेस्ट. रिमेन्स एक्टिव. ये एक्टिव रहता है, दूसरा जो है वो डिग्रेड कर जाता है. नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? एंट्री ऑफ नेमेटोड इन रूट्स ऑफ टोबैको.
transcription, mRNA. ठीक है जी, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, एक्टिव RISC causes binding of guide strand with nematode mRNA. It forms double stranded RNA. Again, cleave by dicer. It is safe. No test protein. And thus, nematode dies. उसके प्रोटीन नहीं बनेंगे, उसका मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, और फिर नेमेटोड कोई होस्ट को उसको जो है हार्म नहीं कर पाए, एंड द प्लांट बिकम्स रेजिस्टेंट टू द नेमेटोड. ओके, जो पहले बताया था वही दोबारा से, बट एक दो पॉइंट थोड़े से अलग है, तो ये कर दिया. तो अब आपको पता बेटा कि grains of golden rice. हम यहाँ पे कह सकते हैं source of beta carotene, और we can say vitamin A. Then another is हम यहाँ पे कहेंगे genetically modified crops. है तो बहुत सारी, but let us see. Another is seeds of brassica napus, shalgam है ये, modified या transgenic. Source of blood anticoagulant hirudin. ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाता है, बाकी तो आपको पता ही है, हर्बिसाइड रेजिस्टेंट ये सो है. देन अनदर इज modified cattle or sheep or goat source of inka milk, their milk source of protein alpha antitrypsin. Another is lactalbumin. Another is blood clotting factors. इनके मिल्क से हमें ये चीजें मिल रही. तो अगर हम जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स बनाए, जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स बनाए, तो उनके सीड्स में से, उनके लीव्स में से, उनके मिल्क में से, उनके सीमन में से हमें कोई स्पेसिफिक प्रोटीन मिल रहे हैं, विटामिन मिल रहे हैं. सो दीज प्लांट्स एंड एनिमल्स एक्ट एज बायोरिएक्टर्स, है ना, वो खुद एक बहुत बड़ी मशीनरी है.
जो हमें मॉडिफाइड प्रोटीन्स दे रही है या जो हमें स्पेसिफिक प्रोटीन्स प्रोवाइड कर रही है, राइट? सो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स एंड एनिमल्स दे एक्ट एज बायोरिएक्टर्स विच आर द सोर्स ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स सच एज प्रोटीन्स सच एज विटामिन ए एक्सेट्रा एंड द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ proteins, specific proteins in genetically modified organisms, genetically modified plants and animals specifically is called as molecular farming. So, ab humne baat karni hai molecular farming ki and natural bioreactors ki hum baat kar rahe. So, first aa jaiye. Molecular farming. Production of proteins, production of genetically modified proteins in transgenic plants and animals. In transgenic plants and animals, which are recovered from their seeds, comma grains, comma fruits, comma leaves, comma milk, blood, urine, and semen is called as molecular farming. जो plants है Plants are the chief and best natural factories. Which produce several chemicals from simple raw materials. कौन से raw materials है? Such as water, light, and minerals. इन तीनों को यूज करके वो थाउजेंड्स ऑफ केमिकल्स बनाते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है, इफ द राइट जीन्स जो हमें चाहिए, इफ द राइट जीन्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन प्लांट्स, If the right genes are introduced in plants, comma, the plants serve as bioreactors. Plants serve as bioreactors to synthesize various compounds. Various compounds to be used in industries or pharma, etc. Next.
नेक्स्ट पॉइंट कर लीजिए. लाइकवाइज Likewise, transgenic animals. Likewise, transgenic animals are produced to increase milk production. Second है to increase their size. To be used in labor. Third है to produce milk. Rich in specific proteins. Which are purified. And used further. To be used in. Research purposes. Transgenic animals are produced to be used in research purposes, etc. अगर वो प्रोटीन्स बना रहे हैं इन मिल्क और इन सीमन, देन दीज आर यूज्ड एज बायोरिएक्टर्स. इफ दे फॉर्म, नेक्स्ट पॉइंट करके लिख लेना, इफ दे फॉर्म मॉडिफाइड प्रोटीन्स. Modified proteins which are beneficial to humans. Then they are called as bioreactors. Then they are called as bioreactors. ठीक है जी, इनके एग्जांपल्स हम थोड़े से आगे करते चलते. राइट, देन नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा ट्रांसजेनिक्स इन फार्मेसी या फार्मास्यूटिकल्स. नेक्स्ट हम आ जाते हैं ट्रांसजेनिक्स इन फार्मास्यूटिकल्स और इसमें हम आ जाते हैं प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन. जिसको हम और क्या बोल देते हैं, ह्यूमुलिन. इन ह्यूमंस आपको पता है इंसुलिन जो है, इंसुलिन इज सिक्रीटेड बाय कौन है, बीटा सेल्स ऑफ Isles of Langerhans.
of pancreas. फंक्शन क्या है? इंसुलिन कन्वर्ट्स एक्सेस ब्लड ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन. और दूसरा क्या है? इंसुलिन मेक सेल्स परमिएबल टू ग्लूकोज. प्रिवेंट्स ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स. ये मेन फंक्शन है इंसुलिन. नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा, जो इंसुलिन है, इंसुलिन इज सिक्रीटेड एज प्रो इंसुलिन. जैसे प्रो एंजाइम होता है ऐसे प्रो इंसुलिन है, ये इनएक्टिव है. कैसा है इसका ये देखिए. This is pro-insulin. This is A-peptide. This is B-peptide. और ये जो है, this is C-peptide. This is pro-insulin. इसकी जब एक्टिवेशन होती है तो यहां से रिमूवल हो और जो ए पेप्टाइड है इट इज जॉइंड विद बी पेप्टाइड बाय डायसल्फाइड. दिस इज मैच्योर इंसुलिन. देन डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन इट कॉजेज द डिजीज डायबिटीज मेलाइटिस. पेशेंट्स आर इंजेक्टेड विथ यू नो इंसुलिन. बाहर से इंसुलिन का जो है वो हम इंजेक्ट करते हैं. इट इज नॉट ओरली इंजेस्टेड. हम इसकी पिल्स नहीं ले सकते. कोई बता सकता है कि इंसुलिन की पिल्स नहीं है, हम खा नहीं सकते, इंजेक्ट करवा सकते हैं क्यों? जल्दी से बताओ जरा जल्दी. जब आप यहाँ पे लिखोगे तो खुद लिखना कि बिकॉज इंसुलिन इज अ प्रोटीन एंड इफ वी इंजेस्ट इट ओरली देन इट विल गेट डाइजेस्टेड इन अवर इंटेस्टाइन.
right? That is why insulin, digestion nahi chahiye hame. That is why insulin is injected and not digested. Theek hai? Likho pehle ke.